नमस्कार दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान रीट के लिए शिक्षा मनोविज्ञान जो है उसका पूरा कोर्स लेवल वन और लेवल टू के लिए एक ही सिलेबस है, वो मैं आपको एक महीने में करवाऊंगा। और ये जो है यूनिट पाँच हमने शुरू की थी, आपको पता ही है। और यूनिट पाँच का एक जो टॉपिक है वो हमने कर लिया था, क्रियात्मक अनुसंधान। और अभी हम जो है वो करने वाले हैं दूसरा टॉपिक, ठीक है ना। इसका जो टॉपिक नंबर दो है वो हम करने वाले हैं। और यूनिट पाँच में ही दूसरा जो टॉपिक है मित्रों वो है RTE, राइट टू एजुकेशन। तो आप समझिए कि शिक्षा का अधिकार भारत में क्या है कि जब तक किसी चीज़ को कानून नहीं बना दिया जाए तब तक क्या है, लोगों की धारणा जो है बनती नहीं है। तो आप याद रखें कि अपना जब संविधान लागू हुआ था तो संविधान में मूल अधिकार भी है, कर्तव्य भी है, नीति निर्देशक तत्व भी है। तो अनुच्छेद 45 में जो नीति निर्देशक तत्व है उसमें ये कहा गया था कि सरकार को चाहिए कि वह जो बच्चे हैं 6 से 14 वर्ष की आयु के या जो प्राइमरी एजुकेशन है वो सबको मिले और निःशुल्क मिले। मगर इतने संसाधन नहीं थे कि सरकार सबको निःशुल्क कर सके। परंतु हम विश्व स्तर की बात करें तो विश्व के बहुत सारे देशों ने जो है निःशुल्क एजुकेशन कर रखी थी प्राइमरी। तो भारत की सरकार ने भी विचार किया कि अब जो है आज़ादी को बहुत सारे साल हो गए, निरक्षरता बहुत ज़्यादा है, गरीबी भी है, तो गरीब बच्चे शिक्षा से वंचित नहीं रहे, इसलिए उनको पूरी तरह से निःशुल्क शिक्षा दी जाए। इससे थोड़ा सा पहले, आरटी से थोड़ा सा पहले, सन 2002 की बात है, अपने जो उस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उस दरमियान संविधान में एक संशोधन हुआ था जिसे कहते हैं 86वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में हुआ, उसमें निःशुल्क शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया था अनुच्छेद 21 क में। तो वहाँ से भी क्या है थोड़ा माहौल बना। फिर साथ ही साथ जो अपने कर्तव्य है, मूल कर्तव्य 51 क में, जहाँ 10 कर्तव्य थे तो 11वां कर्तव्य और जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया कि जो माता पिता है, अभिभावक है, उनका भी कर्तव्य है कि जो छोटे बच्चे हैं उनके घर में उनके रिश्तेदार 6 से 14 साल के, उनको पढ़ाया जाए, उनको घर में रोकना गलत है, उनका दायित्व है कि उनको स्कूल भेजें। तो इन सब के माहौल में RTE 2009 कानून जो है वो पारित हुआ। RTE 2009 जब कानून पारित हुआ उस समय देश के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो कोई भी कानून जो होता है वो लगभग बनता है उसके ठीक अगले साल लागू होता है। जैसे नरेगा है तो 2005 में बना और 2006 में लागू हुआ, ऐसे RTE 2009 लागू हुआ 2010 में। तो अब हम देखते हैं फैक्ट, ठीक है। फिर हम इसके लास्ट में कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे आए हुए रीट 2011 में, 14 जो 15 में हुई, 18 में हुई, जो 3-4 भर्तियाँ हुई उन सब में आए हुए, और आसपास कोई CTET वगैरह में आए हुए क्वेश्चन भी देखेंगे। तो संविधान के अनुच्छेद 45 में नीति निर्देशक में ये बात कही गई है कि राज्य के द्वारा मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए। 10 साल की अवधि का कहा था, काफ़ी साल बीत गए नहीं हुआ, तो एक तो ये था। दूसरी बात, 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें अनुच्छेद 21 जो मूल अधिकार है स्वतंत्रता वाले, उनमें 21 में क या ए जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करना क्या है, मूल अधिकार घोषित कर दिया गया। वैसे आप ध्यान रखना मूल अधिकार वो 6 ही है, उन्हीं में ये स्वतंत्रता वाले अधिकारों में ही है। 86वां संशोधन में 11वां कर्तव्य भी जोड़ा गया, जिसमें माता पिता या अभिभावक संरक्षक का कर्तव्य भी बनाया गया कि वो प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करें। पृष्ठभूमि समझ में आ गई। अब आते हैं RTE की तरफ। RTE यानी राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। तो 4 अगस्त 2009 आप तारीख ध्यान में रखें, RTE विधेयक लोकसभा से पारित हो गया, जबकि राज्यसभा से ये पहले ही हो चुका था। और 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने हस्ताक्षर कर दिए और ये कानून बन गया। तो इसलिए इसको बोलते हैं RTE 2009। मगर ये लागू कब हुआ, 1 अप्रैल 2010। देखो मैंने रेड कर रखा है इसलिए आप इसको इम्पोर्टेंट है उस फैक्ट को मैंने रेड या कलरफुल कर रखा है, ठीक है। और ये जो PDF है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर या जो ऐप बनाया है नया यस गुरु वो आप प्ले स्टोर से लोड कर लें या इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन से लोड कर लें, वहाँ पर भी आपको वीडियो और PDF दोनों मिल जाएंगे। और पूरी फिर 15 दिन बाद में मैं इसकी पूरी कमाइंड जो नोट्स है एक ई बुक भी इस पर अवेलेबल करवा दूंगा पूरे एक साथ, ठीक है। तो अभी आप समझें और आगे बढ़ें।
तो 1 अप्रैल 2010 यानी नया वित्तीय वर्ष लागू होता है तब से संपूर्ण भारत में जम्मू कश्मीर को छोड़कर लागू हो गया और भारत विश्व का 135वां देश बना आरटी लागू करने वाला यानी कि निःशुल्क शिक्षा लागू करने वाला। तो देखो आपको दो तीन सन याद रखने हैं, एक तो 2002 में मूल अधिकार, फिर 2009 में कानून बना और 2010 में लागू हुआ। ठीक है, राजस्थान में इस कानून को कि इस कानून में धारा है 38 में, उसमें राज्य सरकारों को कुछ संशोधन का प्रावधान है, तो राजस्थान ने कुछ संशोधन किए और 1 अप्रैल 2011 से लागू किया। तो चौथा सन आपको याद रखना है 2011। तो चार ही सन आपको याद रखने हैं, 2002 मूल अधिकार बनाया गया 86वां संशोधन, 2009 में कानून लाया गया, 2010 में लागू हो गया, 2011 में राजस्थान में लागू हो गया। तारीख 1 अप्रैल। ठीक है, आगे चलते हैं। इस कानून में एक अनुसूची है, 7 अध्याय है और 38 धाराएं हैं, ये याद रखना आपको। कुल कितनी धाराएं हैं? 38 धाराएं हैं। अब विशेषताएं, विशेषताएं आप देखोगे तो उसमें कानून की सारी बातें आ जाएगी। आयु वर्ग माना गया है 6 से 14 वर्ष, कक्षा मानी गई है 1 से 8 वर्ष, 3 से 5 साल के जो बच्चे हैं, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो कि स्कूल नहीं जाते, उनके लिए ये है कि वो आंगनबाड़ी में जो है वो पढ़ें या फिर पूर्व प्राथमिक शिक्षा हम उसको बोलते हैं, वहाँ पे 1900 पढ़ेंगे। दिव्यांग बालक है उनके लिए आयु सीमा को 18 वर्ष माना गया है। कक्षा 8 तक किसी भी विद्यार्थी को रोका नहीं जाएगा, फेल नहीं किया जाएगा, ये बात इसमें थी, उनको क्रमोन्नत किया जाएगा। और अगर कमजोर है बच्चा यानी ग्रेड डी है ये उसके, जैसे ए बी सी और डी, ए ग्रेड टॉप 86 से ऊपर परसेंटेज, फिर बी, फिर सी और फिर डी, डी ग्रेड आती है 0 नंबर से लेकर 40% तक वालों के, तो इन विद्यार्थियों की अतिरिक्त कक्षाएं लगाकर मुख्य धारा में लाया जाएगा। अनामांकित बच्चे यानी जो स्कूल में नाम नहीं लिखा रखा है, खुले में घूम रहे हैं यानी कि कहीं पढ़ नहीं रहे, और शाला से वंचित बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था रहेगी, राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी तय करेगी। प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य है कक्षा 1 से 8, प्रारंभिक अंग्रेजी में कहते हैं एलिमेंट्री। ठीक है, प्राथमिक से तात्पर्य है 1 से 5, उच्च प्राथमिक से तात्पर्य है 1 से 8। आपने देखा ना, प्राथमिक स्कूल, उच्च प्राथमिक स्कूल, माध्यमिक स्कूल, उच्च माध्यमिक स्कूल। तो प्राथमिक मतलब 1 से 5, जिसको कहते हैं प्राइमरी, गवर्नमेंट स्कूल है तो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल GPS, और 8वीं तक है तो GUPS अपर प्राइमरी स्कूल। निजी विद्यालयों में विद्यार्थियों से किसी प्रकार की कोई प्रवेश परीक्षा या साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। जैसे पहले क्या होता था, छोटे बच्चों का भी एंट्री होता था या गार्जियन का होता था, तो एक मानसिक दबाव पड़ता है बच्चे पे, तो वो नहीं होगा। विधानसभा वाले संघ राज्य क्षेत्र जैसे दिल्ली और पुडुचेरी में स्थापित विद्यालय के संबंध में उस संघ की सरकार का दायित्व होगा। राज्य है तो वहाँ की सरकार है, केंद्र शासित प्रदेश है तो केंद्र देखेगा, और केंद्र शासित में जहाँ विधानसभा है वहाँ वहाँ की राज्य सरकार देखेगी। बालकों को शारीरिक या मानसिक दंड या प्रताड़ना या अपशब्द पूरी तरह से प्रतिबंध है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग बनाया जाएगा। शिक्षण के कार्य दिवस और घंटे तय किए जाएंगे। ये प्रमुख प्रावधान है, आप नजर डालते रहिए, फिर हम धाराएं भी पढ़ेंगे। दुर्लभ वर्ग, ठीक है, दुर्लभ वर्ग वंचित वर्ग के बालक जिनके माता पिता या अभिभावक की वार्षिक आय सरकार द्वारा जारी मापदंड, राजस्थान में ये 1.5 लाख है या 1 लाख, थोड़ा समझ डाउट है, मेरे ख्याल से अब 1 लाख कर दिया गया, इसको भी चेंज किया गया था, आप कमेंट करके बताना लेटेस्ट, या फिर मैं बता दूंगा आपको कमेंट में। तो ये जो सीमा है उससे कम बच्चे हैं उनको दुर्लभ वर्ग, उनको दुर्बल वर्ग, ठीक है, दुर्बल वर्ग का माना जाएगा, और इन्हें निजी विद्यालयों की 25% सीटों पर प्रवेश ले सकेंगे। संख्या अधिक होने पर लॉटरी से प्रवेश दिया जाएगा। शिक्षक छात्र अनुपात के मानक पूरे करने होंगे और रिक्त पद भरने होंगे। अध्यापकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। तो ये तो प्रमुख प्रावधान है। अब हम धारा के अनुसार देखते हैं, कुल 38 धाराएं हम देखेंगे, आप चिंता नहीं करें, आपको सारी 38 याद नहीं रखनी, जो मुख्य धाराएं याद रखनी है वो 5-7 है, उसको मैंने रेड कलर से कर रखा है, मैं बता भी दूंगा आपको। धारा 1 में तो निःशुल्क शब्द की व्याख्या है और अनिवार्य शब्द की व्याख्या है। अनिवार्य का मतलब 6 से 14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य, तो अनिवार्य है। निःशुल्क का मतलब किसी प्रकार की कोई शुल्क किसी भी नाम से नहीं ली जाएगी। धारा 2 में वंचित वर्ग का मतलब है जाति, धर्म, भाषा या क्षेत्र के आधार पर, और दुर्बल वर्ग का मतलब है आय के आधार पर, जो दुर्बल है, कमजोर है, BPL बच्चे हैं वो। तो इनको क्या है आपको पता ही है, सरकारी स्कूल में तो पूरी तरह से फ्री है, निजी स्कूल में भी ये बच्चे जा सकें, तो इसलिए
निजी स्कूल में मान लीजिए पहली क्लास में अगर 40 बच्चे या मान लीजिए 60 बच्चे आते हैं, 60 की सीट है, तो उसमें से 25% यानी कि 15 बच्चे जो है वो गरीब बच्चे जो है वो फ्री पढ़ सकते हैं, दुर्बल वर्ग या वंचित वर्ग के, अपने आसपास के प्राइवेट स्कूल में भी। वहाँ मान लीजिए ज़्यादा बच्चे की आ गई तो लॉटरी निकलेगी और उससे जो बच्चे हैं वो आएंगे और उनसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। फिर उनका पैसा प्राइवेट स्कूल को कौन देगा? सरकार देगी। उसकी जांच होती है, उसके बाद में कमेटी बन के उसको दे दिए जाते हैं। धारा 3, किसी भी विद्यार्थी से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। धारा 4, शाला से बाहर के विद्यार्थी ड्रॉप आउट या वंचित। ड्रॉप आउट किसे कहते हैं? बच्चा स्कूल में आया, नाम लिखाया, 5-7 दिन, 10 दिन आया, 1 महीना आया, फिर आना बंद हो गया, गायब हो गया। लगातार 45 दिन तक अनुपस्थित रहता है बच्चा, बीच में अगर एक भी नहीं आता है तो उस बच्चे का नाम काट दिया जाता है और उसे ड्रॉप आउट घोषित कर दिया जाता है, NSO भी बोलते हैं उसको। तो वंचित जो बालक है जो स्कूल नहीं आ रहे उनको आयु के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई एक 10 साल का बच्चा आया और वो बिल्कुल अनपढ़ है, इतने दिन भेड़ चराता था, अब आपके स्कूल में आया, सरकारी विद्यालय की बात है, तो अब आप उसका क्या करेंगे? और तो अब आपको ये करना होगा कि 6 साल को आप आधार मानते हुए चौथी क्लास में वो आ जाएगा सीधा, छठी क्लास, 6 साल का पहली क्लास में, 7 साल का दूसरी क्लास में, 8 साल का तीसरी क्लास में, 9 साल का चौथी क्लास में, तो 10 साल का इस तरह से जो है हम उसको 6 साल को आधार मानते हुए उसको एडमिशन दे देंगे, ठीक है। और 14 साल का को 8वीं हो जानी चाहिए ना, तो इस हिसाब से तो 4 पास करके 5वीं में उसको हम आयु के आधार पे 6 वर्ष को आप मानकर 6 और 4 10 चौथे में, ठीक है, तो आयु के आधार पर जो है उसको प्रवेश दिया जाएगा। तो ये धारा 4 में है, ध्यान रखना। उसके बाद में धारा 5 में है कि अगर बालक TC मांगता है, जैसे दूसरे स्कूल में जाना चाहता है, तो उसका चाहे कुछ भी बाकी हो, फीस वीस तो ले ही नहीं सकते, फिर भी अगर मान लो कुछ भी कोई चीज़ बाकी है तो हम उसको TC देनी पड़ेगी, TC के कारण रोक नहीं सकते। धारा 6 में ये बात कही गई है सरकार की कि जहाँ एरिया है, गांव बसता है, गांव वगैरह है, तो वहाँ 1 किलोमीटर में कक्षा 1 से 5 तक का विद्यालय होना चाहिए, ताकि जो छोटे बालक है वो विद्यालय जा सकें। और विद्यालय अगर दूर होगा 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, तो बच्चे जाएंगे कैसे? और 6 से 8 के जो विद्यालय है वो 2 किलोमीटर के एरिया में होने चाहिए, ठीक है। अब धारा 7 में है वित्तीय अनुपात कि केंद्र का रहेगा 60%, राज्य का रहेगा 40%। नीति आयोग के बाद में 2016 से केंद्र सरकार ने ज़्यादातर योजनाओं में, चाहे वो रमसा हो, समसा हो, 60% और राज्यों का 40% तय कर रखा है, ध्यान रखना आप। धारा 8, 9, 10 में जो है समुचित या संबंधित सरकार, जैसे राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है, उसके कर्तव्य है। धारा 9 में स्थानीय निकाय जैसे पंचायती राज वगैरह, उनके कर्तव्य है। धारा 10 में अभिभावकों के भी कर्तव्य बताए गए कि वो बच्चों को भेजें, घर पे नहीं रखें, घरेलू कामों में नहीं लगाएं, विद्यालय के समय विद्यालय भेजें। धारा 11 में 3 से 6 वर्ष के बालकों को आंगनबाड़ी से शिक्षा की व्यवस्था की गई है, तो ये भी ध्यान रखना। वैसे तो RT 6 से 14 के लिए लागू है, मगर 3 साल से भी ये लागू है। 3 से 6 के जो बच्चे हैं वो प्री प्राइमरी करने के लिए आंगनबाड़ी में पढ़ लेंगे। धारा 12, ये जो है इम्पोर्टेंट है, निजी विद्यालयों की 25% सीटों पर निःशुल्क प्रवेश हेतु दुर्बल और वंचित विद्यार्थियों हेतु आरक्षण की व्यवस्था की गई है। धारा 13 में उक्त प्रक्रिया में निःशुल्क प्रवेश होगा, अगर शुल्क लेते हैं तो दंड का प्रावधान है। धारा 14 में जन्म प्रमाण पत्र यानी कि जन्म तिथि के अभाव में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। बालक आया, उसने कहा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, कोई कागज़ नहीं है, तो भी आपको उसको स्कूल में एडमिशन लेना है, कागज़ आप ही बनाएंगे, आप उसके जन्म प्रमाण पत्र जो है किसी भी आधार से आप जो उसको तय करेंगे, अगर उसके पास नहीं है तो। धारा 15, प्रवेश की अंतिम तिथि 30 सितंबर, निजी विद्यालय में जो लॉटरी वाला सिस्टम है उसके लिए। बाकी निजी विद्यालय के अलावा जैसे सरकारी विद्यालयों में जो प्रवेश की तिथि है वो कोई लास्ट तिथि नहीं है, साल भर बच्चा जो है, साल भर, वर्ष भर बच्चा कभी भी एडमिशन ले सकता है। जब बालक 11 साल का, 12 साल का आके सीधे 7वीं में आ सकता है, 6ठी में आ सकता है, तो इसमें आपको कोई चिंता वाली बात नहीं कि फिर वो पढ़ेगा कब, आगे पढ़ लेगा, या फिर उसको कवर करना होगा, अतिरिक्त कक्षाएं लगा के उसको कवर करवाया जाएगा। धारा 16, विद्यार्थी को किसी भी कक्षा में रोका नहीं जाएगा, फेल नहीं किया जाएगा। धारा 17, नए विद्यालय से निकाला जाएगा। धारा 17 में शारीरिक और मानसिक दंड या कोई अपशब्द, कोई ठेस पहुंचाने वाले शब्द किसी भी प्रकार का कुछ नहीं कहा जाएगा, क्योंकि बालमन है, बालमन के ऊपर
उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। कई बार हम देखते हैं ना, बच्चों को कहते हैं तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा हुआ है, कहीं गधे कहीं के, तो बच्चे को लगता है कि वास्तव में हो सकता है गुरु जी कह रहे हैं तो उसके दिमाग में गोबर ही होगा। तो बार बार कहने से बाल मन में साइकोलॉजिकल गलत प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए किसी भी प्रकार के कोई अपशब्द उसको नहीं करने चाहिए। धारा 18 में बिना मान्यता के कोई विद्यालय चलाता है निजी तो 1,00,000 जुर्माना है, और अगर वो फिर भी नहीं मानता तो प्रतिदिन के हिसाब से 10,000 जुर्माना है। धारा 19 में विद्यालयों को 3 वर्ष में जो मानक है, भवन, पुस्तकालय, खेल का मैदान, जो भी, वो 3 साल में पूरे करने होंगे। धारा 20 में केंद्र सरकार मानकों में परिवर्तन कर सकती है। धारा 21 इंपॉर्टेंट है, विद्यालयों में SMC का गठन किया जाएगा। SMC मतलब स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, विद्यालय प्रबंधन समिति। कक्षा 1 से 8 तक SMC होती है, और कक्षा 9 से 12 के जो विद्यालय है उसमें होता है SDMC, स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी। तो यहाँ SMC की बात है, उसमें कुल 16 सदस्य होंगे जिसमें से 75% अभिभावक होंगे। धारा 22 में SMC विद्यालय से जुड़ी योजनाएं संचालित करेगी। धारा 23 में शिक्षकों हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताओं का प्रावधान है। इसी के तहत जो रीट या CTET है, TET है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आदि चलाए गए हैं। धारा 24 में शिक्षकों के दायित्व तय किए गए हैं, समय का पालन, बाल केंद्रित शिक्षा, पाठ्यक्रम पूरा करवाना इत्यादि। धारा 25 में विद्यार्थी शिक्षक अनुपात तय किया गया है, कक्षा 1 से 5 के लिए छात्र और अध्यापक, आप ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखें, 30 पर 1 शिक्षक, यानी 30 का 1 अनुपात रहेगा, मगर केवल एक नहीं है, ध्यान रखना 2 शिक्षक न्यूनतम होने चाहिए। तो आप सीधा 60 से याद रखना, 60 पर 2, क्योंकि एक वाला नहीं है, बता दिया इसको, तो 60 से आप याद रखें, 60 पे 2 शिक्षक, फिर 90 पे 3 शिक्षक, 120 पे 4 शिक्षक, 150 पे 5 शिक्षक, यानी 30:1 रहेगा 150 तक। अब 150 से ज़्यादा यानी 151 बच्चा, मान लीजिए 151 बच्चा हो गए, नामांकन हो गए, तो फिर वहाँ एक पद प्रधानाध्यापक का और सृजित हो जाएगा, और वहाँ 5 शिक्षकों के एक साथ साथ एक हेडमास्टर जी भी रहेंगे, ठीक है, 151 से 200। अब 200 के बाद क्या रहेगा, 200 के बाद में 40 का अनुपात रहेगा, जैसे 240 बच्चे हो गए तो एक शिक्षक का पद और आ जाएगा, तो 6 तो ये थे ही, 5 और ये 6 हो गए, और फिर HM तो रहेगा। तो इस तरह से आप ध्यान में रखना, ये है 1 से 5 तक। फिर 6 से 8 तक क्या प्रावधान है, ये किस में है, धारा 25 में है, ध्यान रखना। 6 से 8 ये प्रावधान है कि 35 वाला अनुपात है, 35:1, 35 बच्चों पर एक शिक्षक। अब यहाँ भी ध्यान रखना, एक ही शिक्षक नहीं रहेगा, कम से कम 3 शिक्षक रहेंगे, ठीक है, बच्चे चाहे 35 हो, न्यूनतम 3 शिक्षक रहेंगे। कौन कौन से, जैसे एक तो गणित विज्ञान का शिक्षक, और एक सामाजिक का शिक्षक, और एक भाषा का शिक्षक, चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, 3 शिक्षक रहेंगे न्यूनतम। तो 35 के अनुपात में चलेगा 1, 70 पे 2, 71 से 100 पे 3, यहाँ 105 नहीं, 100 पर ही 3 है, ध्यान रखना, 100 से ज़्यादा होते ही एक प्रधानाध्यापक की पोस्ट आ जाएगी। वहाँ थी 151 पे एक प्रधानाध्यापक, यहाँ है 101 होते ही एक प्रधानाध्यापक। 100 के बाद 40 का अनुपात रहेगा, 5वीं तक में 200 के बाद है 40 का अनुपात, और 8वीं तक में बच्चे बड़े होते हैं, इसलिए 40 के बाद में, 100 के बाद में ही जो है 140 बच्चे होते ही फिर 40 के ऊपर एक शिक्षक रहेगा, ठीक है, समझ में आई बात। शिक्षण के घंटे 1 से 5 के लिए 200 कार्य दिवस साल में, कार्य दिवस का मतलब ये हुआ कि 365 दिन होते हैं, उसमें से संडे आ गए कितने, लगभग 48, उसके अलावा 45 दिन की छुट्टियां हो गई, दीपावली की हो गई, ठीक है, 90, 100 तो ये हो गए, तो लगभग 260-265 दिन बचते हैं, कुछ छुट्टियां और आ जाती हैं, तो 200 कार्य दिवस तो होने ही चाहिए, ठीक है, और 800 घंटे हो गए 4 घंटे के हिसाब से। एक शिक्षक के लिए 45 घंटे प्रति सप्ताह है, यानी 6 दिनों में उसको 45 घंटे, तो कितने, 6, 7, 42, यानी दिन के 7.5 घंटे लगभग शिक्षण उसको करवाना है। 6 से 8 के लिए थोड़ा ज़्यादा है, 220 कार्य दिवस, 1000 घंटे, 45 घंटे प्रति सप्ताह है, और यहाँ कालांश जो है 48 घंटे 45 ही है, कालांश 48। कक्षा 6 से 8 के विद्यालय में न्यूनतम 3 शिक्षक अवश्य होंगे, भाषा का, गणित विज्ञान का और सामाजिक का। जैसे आप रीड कर रहे हैं, तो अगर आपके ग्रेजुएशन में भाषा इंग्लिश रही है, हिंदी रही है, उर्दू रही है, संस्कृत रही है, या आपने एडिशनल कर ली है, तो आप उस भाषा के लिए भी आप फॉर्म भर सकते हैं। आप साइंस के हैं, तो आप गणित और विज्ञान दोनों में से दोनों शिक्षक दोनों आपको पढ़ाना होगा, और अगर आप आर्ट के हैं तो आपको सामाजिक के तो आप है ही है। तो इस तरह से धारा 26 में है कि
कि कुल शिक्षकों के 10% से अधिक रिक्त पद नहीं रखेंगे। धारा 27 में है शिक्षक को, ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, जनगणना का कार्य, चुनाव का कार्य और आपदा राहत का कार्य के अलावा किसी अन्य कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। धारा 28 में है सरकारी सेवा में कार्यरत शिक्षक को सेवाकाल के घंटों के दौरान किसी भी संस्था में शिक्षण या ट्यूशन नहीं करवा सकेगा। धारा 29 में है कि पाठ्यक्रम अगर परिवर्तन करती है सरकार तो सूचना समाचार पत्रों में देनी होगी। धारा 30 में है कि 8वीं में बोर्ड परीक्षा नहीं ली जाएगी। धारा 31 में है बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया जाएगा। धारा 32 में है कि इस आयोग में कोई भी शिकायत कर सकेगा। धारा 33 में है कि केंद्र सरकार एक केंद्रीय सलाहकार परिषद बनाएगी 15 सदस्यों की। धारा 34 में राज्य सरकार भी आरटी से जुड़े सुझावों के लिए एक ऐसी परिषद बनाएगी। धारा 35 में है समुचित सरकार मार्गदर्शन जारी करेगी। धारा 36 में है कि जो धारा 13, 18 और 19 है वो दंडनीय अपराध के लिए अभियोजन हेतु मंजूरी दे सकेगी। धारा 37 में एसएमसी के खिलाफ कोई विधि कार्रवाई हो सकेगी। धारा 38 में राज्य सरकार आरटी में कुछ संशोधन कर सकेगी। तो अब इसमें कुल 38 धाराएँ थी, ठीक है, जिसमें से आपको कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसे मान लीजिए 16 और 17 धाराएं हैं वो इसकी गोल्डन धारा है, ठीक है, बच्चों के लिए, और उसके अलावा 21 एसएमसी वाली है, 25 में शिक्षक छात्र अनुपात है, ठीक है, और 31 में बाल अधिकार का है। तो 5-7 आप धाराएं याद रखना इसकी। अब हम देख लेते हैं इसके अभ्यास प्रश्न। प्राथमिक स्तर पर शैक्षणिक घंटे निर्धारित है, तो ये 2012 में आया हुआ है, कितने घंटे निर्धारित है बताओ, बताइए। तो लो आपको उत्तर दिखा देते हैं, 800 प्राथमिक स्तर पर, 800 उच्च प्राथमिक पर 1000 है। निजी और निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए सीटें आरक्षित है, कितनी, कितने परसेंट, 25% आरक्षित है। कौन सी धारा है वो भी ध्यान रखना। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ क्या है, बताइए क्या उत्तर आपको क्या लग रहा है। तो उत्तर हो जाएगा, उचित सरकारें दाखिले उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। उचित का मतलब जो संबंधित सरकार है ना, केंद्र की, राज्य की, वो 2009 लागू है। किस आयु वर्ग के लिए लागू है, तो 6 से 14 के लिए लागू है। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम कब से लागू हुआ, तो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है आपको और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हम यूनिट 5 के 2 टॉपिक और है अभी, एक तो इसमें है एनसीएफ 2005, फिर उसके अलावा है सतत और व्यापक मूल्यांकन और सीसीई, वो भी हम आपको जल्द करवा देंगे। डेली एक वीडियो आपको रहेगा, 20-25 दिन में हम पहले ये करवा देंगे और फिर आपको हम अभ्यास प्रश्न करवाएंगे, आई वे क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम कार्य दिवस 200, उच्च प्राथमिक पर 220। तो ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। धन्यवाद।